जीवन में सबसे पहली बार प्रेम कब हुआ? एक कलाकार तभी होता है जब वो प्रेम में होता है। आपने जो अव्यवस्थाओं पे कुठाराघात किया है उसका विरोध कभी झेलना पड़े? अगर आप संचालन कर रहे हैं तो आपको कवित्री के साथ में अश्लील रूप झोंक करनी पड़ेगी, द्विअर्थी संवाद करने पड़ेंगे और फुहड़ चुटकुले सुनाने पड़ेंगे। ऐसा लगता है कि पंकज जी ने उम्र को अपने वश में कर लिया है, इस खूबसूरती का राज क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर जो सुंदरता है, पृथ्वी पर जो भी कहीं प्रेम है, वो सब कुछ स्त्रियों के कारण है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। हम सभी अपने जीवन में किसी विशेष मुकाम पर पहुंचने के सपने देखते हैं, उन सपनों को हासिल करने की पूरी शिद्दत से कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और हम सपनों से समझौता कर लेते। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो में हम लेकर के आ रहे हैं उनकी कहानी, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, त्याग और समर्पण के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों को पराजित करने का काम किया है, उन्हें अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया है। और आज उनका नाम हिंदुस्तान के उन नामों में शुमार है जो सदैव के लिए रोशन हो चुके। अपनी जिद से अपनी तकदीर लिखने वाले एक ऐसे ही शख्स आज हमारे शो के मेहमान हैं, श्री पंकज सुबीर जी। पंकज सुबीर मध्य प्रदेश के सीहोर जनपद के रहने वाले पंकज सुबीर ने साहित्य जगत में अपनी विशेष पहचान बनाई है। इनके उपन्यास ये वो शहर तो नहीं, अकाल में उत्सव, जिन्हें जुर्मे इश्क पे नाज था, एवं कहानी संग्रह kasab.gandhi@yarwada.in, ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रेम, महुआ खटवारिन, चौपड़े की चुड़ैलें आदि ने पाठकों के दिलों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। पंकज सुबीर को इनकी उम्दा लेखनी के लिए भारत में ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार, वागीश्वरी सम्मान, लंदन में यूके इंदु शर्मा कथा सम्मान समेत तमाम सम्मानों से विभूषित किया गया है। पंकज सुबीर इन दिनों अपने गजल संग्रह अभी तुम इश्क में हो से युवाओं में खासा लोकप्रिय बने हुए हैं। स्वागत है पंकज जी द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह में। जी धन्यवाद। हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत और ऊर्जावान नजर आ रहे हैं आप। तो हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। अगर आपकी इजाजत हो तो हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़े। जी बिल्कुल। तो हमारा पहला सेगमेंट है कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। जी पंकज जी, आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे जी, और आज आपके द्वारा लिखी गई कहानियां, आपके द्वारा लिखे गए उपन्यास पर शोध चल रहा है, बच्चे शोध करते हैं, ये किस प्रकार की अनुभूति है कि आप द्वारा लिखी गई कहानियों पर, उपन्यास पर लोग शोध करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रहे हैं? नहीं, ये विजय सचमुच एक बहुत अलग तरह का अनुभव होता है, क्योंकि मैं खुद भी केवल मास्टर्स डिग्री तक कर पाया था। मैंने एमएससी की केमिस्ट्री से और फिर उसके बाद सोचा था कि अब केमिस्ट्री में पीएचडी भी करूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि जीवन की अपनी कुछ व्यस्तताएं होती है। और आज मैं जब ये देखता हूँ कि मैं खुद तो पीएचडी नहीं कर पाया, लेकिन मुझ पर अभी तक शायद 8 या 9 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं और एमफिल तो कितनी हो चुकी है मुझे भी नहीं पता। तो निश्चित रूप से ये एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव होता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है,
कि जो चीज आप पाने की कोशिश करते रहे वो आपको नहीं मिली, लेकिन वही चीज आपके जरिए दूसरों को मिल रही। एक बहुत अलग तरह का अनुभव होता है निश्चित तौर पर। पंकज जी, आपने जो कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, उनमें एक प्रकार की विविधता है, विविधताओं से भरी हुई है वो। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसका बारीकी से आकलन किया जाए तो समाज में जो व्याप्त अव्यवस्था है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक आक्रोश प्रकट होता है आपकी लेखनी के माध्यम से। क्या ये जो आक्रोश प्रकट आप करते हैं ये स्वयं भोगा हुआ सत्य है या समाज में जो बीत रही है वो पीड़ा है जो लेखनी के माध्यम से निकलती है? देखिए विजित, मैं चूंकि लेखक होने से पहले पत्रकार था और पत्रकारिता मैंने बहुत लंबे समय तक की, करीब 8-10 साल मैंने पत्रकारिता की। तो एक पत्रकार के पास में जो भी समाज में, शहर में जो भी घटना घटती है उस घटना के पीछे का पूरा सच एक पत्रकार के पास होता है कि ये जो घटना ऐसी दिख रही है इसके पीछे क्या चल रहा था। तो मेरे पास में बहुत सारे किस्से थे कि जो दिखता था और उसके पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और उसके पीछे क्या था, जिसको समाचार पत्र कभी नहीं छापते हैं। अगर हम रियल स्टोरी बनाकर भेज दें तो वो समाचार पत्र कभी नहीं छापेगा। तो उस तरह की बहुत सारी कहानियां मेरे पास थी, लोगों के दो तरह के चेहरे, दो तरह के व्यवहार, और वो सारी चीजें मेरे पास जो अपने अनुभव की भी थी और दूसरों के अनुभव की भी थी, तो वो बहुत सारी इकट्ठी होती चली गई। जैसे सांप्रदायिकता एक विषय है जिसको लेकर मुझे हमेशा अंदर से बहुत क्रोध आता है कि ये क्या फिजूल की चीजों में हम उलझ गए हैं। या जेंडर को लेकर जो बात होती है, विशेषकर थर्ड जेंडर को लेकर जो हमारे अंदर घृणा जैसी भावना है, इन सब बात को लेकर मेरे अंदर एक आक्रोश हमेशा रहता था। और उसी दौरान मुझे घटनाएं मिली और उन घटनाओं के पीछे की कहानियां मिली, तो फिर उन सब अनुभवों से ये सब कहानियां और ये सब उपन्यास जन्म लेते चले। जी। तो कभी ऐसा भी होता है कि आपने जो अव्यवस्थाओं पे कुठाराघात किया है उसका विरोध कभी झेलना पड़े? बहुत बहुत। मेरा जो पहला उपन्यास था ये वो शहर तो नहीं, जब मैंने लिखा था तो उसमें एक एक जो जिसको संयोग कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर जो घटना थी, जिस घटना के विरोध में मैं लिखने जा रहा था उस उपन्यास को, तो उस घटना के जो मुख्य पात्र थे वो सब मेरे बहुत करीबी लोग थे, बल्कि मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं उनको हटाकर कहानी लिख दूं या मैं उनको जस का तस दिखाऊं कि ये लोग ऐसे ही हैं। तो मेरे अंदर बहुत द्वंद चला। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, एक लेखक के रूप में ईमानदारी यही कहती है कि उन पात्रों को जैसा का तैसा रखें। तो जब मैंने रखा तो उसके बाद मुझे 1-2 साल तक इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कथानायक, एक जो कथा में जो मुख्य खलनायक था वो कलेक्टर या डीएम था, तो एक डीएम के खिलाफ लिख देना मतलब वो अपने आप में बहुत खतरे का काम है। तो ये भी हुआ, और उसके साथ ये भी हुआ कि मैंने एक कहानी लिखी थी कुछ दिनों पहले, तो उस कहानी का कोई पात्र ऐसा था जो मेरे किसी रिश्तेदार को ऐसा लगा कि वो मुझसे मिलता है। अच्छा। तो उन्होंने भी मुझसे सारे संबंध तोड़ लिए आज तक नहीं। तो ये खतरे हैं, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होते हैं तो वो उठा रहा हूं। जी जी जी। पंकज जी, आपकी एक कहानी है दो एकांत। हाँ, दो एकांत। संयोग ऐसा रहा कि उस कहानी पे मुझे भी काम करने का अवसर मिला है और मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे लोग उस पे काम किए, उस पे फिल्म भी बनी है। वो एक ऐसी कहानी है जिसमें लगभग स्त्री विहीन हो चुके समाज की एक कल्पना की है आप। एक ऐसा समाज जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं, यहाँ तक कि अगर वंश को भी आगे बढ़ाना है तो कहीं सुदूर गांव से किराए पे एक महिला को लेकर के आते हैं, वो बच्चे को जन्म देती है और वापस उसको 9 महीने बाद। ये जो एक विभत्स स्थिति है, जहां कहीं भी इन कहानियों का या मंचन हुआ या फिर इस पे फिल्म बनी है, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये अनुभव है। तो ये प्रेरणा या ये विचार कहां से मन में आया कि एक ऐसी कहानी को जन्म देना चाहिए जो भविष्य में, अगर आज वर्तमान में हम नहीं चेते तो भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा हो सके? असल में इस तरह की स्थिति लगभग मैंने देखी है। मैं जिस जिले में रहता हूँ, सीहोर जिला, यहाँ पर एक तबका या एक विशेष जो जाति के लोग हैं उनके यहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत कम है। उनके लड़कियां, कालांतर में ये होता चला गया कि आज की तारीख में उनके लड़कियां है ही नहीं। तो वो इसी तरह से लड़कियां खरीद कर लाते हैं,
वो मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में जाते हैं और वहां से अपने घर में पत्नी लाने के लिए बाकायदा लड़कियां खरीद कर लाते हैं। तो जब मैंने इसे देखा तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर एक वर्ग में आज ये स्थिति आ गई है तो हो सकता है आने वाले समय में अगर हम इसी तरह से भ्रूण हत्याएं करते चले गए तो ये सब जगह आ जाएगा। और फिर मेरे दिमाग में वो दृश्य जन्मा कि अगर स्त्रियां ही पूरी तरह से समाप्त हो गई तो फिर इस पृथ्वी पर क्या बचा रहेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर जो सुंदरता है, पृथ्वी पर जो भी कहीं प्रेम है, वो सब कुछ स्त्रियों के कारण है। तो वो पूरा जीवन शुष्क हो जाएगा। तो आपने तो उस पर नाटक किया और वो नाटक बहुत चर्चित हुआ और उसके बाद उसी नाटक पर फिल्म भी बनी और संयोग ये रहा कि आपके ही मित्र ने उसमें मुख्य भूमिका भी निभाई, या शायद रिश्तेदार भी हैं आपके। पर फिल्म से संतुष्ट नहीं रहा, फिल्म बहुत अच्छी नहीं बन पाई वो। हर लेखक को ये होता है कि उसकी कृति पर फिल्म अच्छे से नहीं बन पाती, क्योंकि वो जितनी पावरफुल, आपको तो पता है वो जितनी पावरफुल कहानी थी, बहुत बहुत बहुत, अगर उसके अंदर आप जरा सा भी छेड़छाड़ करेंगे तो सब डाइल्यूट हो जाएगा। तो उस फिल्म के साथ वही हुआ कि जितने अच्छे से आपने उसका आज पंकज सुबीर जी जिस मुकाम पे खड़े हैं, अपने शहर की मिट्टी का, अपने शहर के लोगों का कितना योगदान है, कितनी भूमिका है? देखिए, हर शहर जो है वो आपको रचता है, वो आपको बनाता है, और आपके अंदर जो भाषा होती है, आपके अंदर जो मुहावरे होते हैं, आपके अंदर जो जो विषय होते हैं, जो शिल्प होते हैं, वो सब उस शहर के स्पेसिफिक होते हैं। वो शहर आपको गढ़ता है। जब 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 आप ग्रो करते हैं किसी शहर में तो वो शहर धीरे धीरे छेनी हथौड़े लेकर आपको गढ़ता है। मेरे उपन्यासों में जो पात्र मिलते हैं वो मेरे शहर के होते हैं, जो भाषा होती है वो मेरे शहर की होती है। और चूंकि मेरा ये शहर जो है बहुत मिक्स कल्चर वाला शहर है, क्योंकि ये नवाबों के अधीन रहा है, भोपाल के अधीन रहा है, तो इसमें कुछ कल्चर वो है। ये मालवा का गेटवे कहा जाता है, तो इसमें मालवा संस्कृति है। ये पेशवाओं के अधीन रहा है, तो यहाँ पेशवा संस्कृति, मतलब ये बहुत मिक्स कल्चर है। और ये अंग्रेजों का कैंटोनमेंट रहा है, मुख्य मध्य प्रदेश का मुख्य कैंटोनमेंट रहा है, तो अंग्रेजों वाला कल्चर है। तो एक बहुत अलग अलग तरह के लोगों के बीच में मैं पला पड़ा हूँ। तो मेरे जो पात्र हैं और उन पात्रों के जो चुटीले संवाद होते हैं, जैसे मेरे अकाल में उत्सव के चुटीले संवादों को लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो वो संवाद मेरे नहीं थे। मैंने जैसा लोगों को बोलते हुए देखा, मैं कहीं बैठा हूँ, पटिए पर बैठा हूँ और वहां लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उसे दिमाग में बिठा लेता था कि इसने इस तरह से एक संवाद बोला, ये आदमी ऐसा चल कर गया। और वो सब पात्र इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक लेखक या एक कलाकार अपने शहर का बहुत ऋणी होता है, क्योंकि उस शहर ने उसे बनाया होता है, उस शहर ने उसे गढ़ा होता है, वो तहजीब, वो संस्कार उसके अंदर सब, उसकी व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, वो सब वो उसका शहर उसे देता है। तो मुझे भी मेरे शहर ने दिया है सब कुछ। बहुत उम्दा तरीके से आप हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, बड़ी रोचक यात्रा चल रही है आपके साथ। हम दूसरे चरण की ओर बढ़ना चाहेंगे, अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। हमारे दूसरे चरण का नाम है पहली पहली बार। अच्छा विषय है, बहुत अच्छा है। हम सभी के जीवन में जो भी चल रहा है, जो भी घट रहा है, वो कभी ना कभी पहली बार जरूर घटा होता है। और पहली बार को याद करना हमेशा से ही बहुत रोचक रहता है और डाउन द मेमोरी लेन जाने वाली बात होती है कि पुरानी स्मृतियों को याद करना। तो हम पंकज जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनके जीवन में ये सारी घटनाएं पहली बार कब घटी। तो पंकज जी, दूसरे सेगमेंट में आपका पुनः स्वागत। जी जी। सबसे पहला प्रश्न हमारा, जीवन में सबसे पहली बार प्रेम कब हुआ? ये बहुत कठिन प्रश्न है, ये घर पे मार पड़वाने वाला। यूं कह ले कि प्रेम की अनुभूति पहली बार कब हुई? हाँ, देखिए, मैं एक 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 इंग्लिश कोट को बहुत हमेशा उस पर विश्वास रखता हूँ कि एक कलाकार कलाकार तभी होता है जब वो प्रेम में होता है।
और एक कलाकार को जीवन भर प्रेम में रहना चाहिए। जैसे ही उसके जीवन से प्रेम खत्म होता है, उसके जीवन से कला खत्म हो जाती है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये मुझे बहुत पसंद आता है। पहला प्रेम मुझे लगता है कि मैं शायद 10-12 साल का होऊंगा उस समय पहला प्रेम हुआ, और वो प्रेम उस समय की बात है। तब प्रेम का मतलब ना हम लोगों के पास इंटरनेट, ना कंप्यूटर, ना मोबाइल। हम तो उस पीढ़ी के हैं कि जब घर में टेलीफोन भी नहीं होता था, तो हमारा प्रेम बस ऐसा होता था कि बस किसी को देख लिया और उसने शायद एक आध बार देख लिया तो बस संतुष्टि हो गई। तो पहला प्रेम वो स्कूल में वही था। और ये जरूर है कि वो पहला प्रेम हमेशा याद रहता है। सबसे पहली कहानी जो भी, मतलब प्रोफेशनल तरीके से नहीं, सबसे पहली कहानी कौन सी लिखे थे आप? सबसे पहली कहानी जो मैंने लिखी थी वो एक विषय था, सांप्रदायिकता को लेकर ही मैंने लिखा था, लाल शर्ट। अच्छा। और वो हिंदू और मुस्लिम लड़के और लड़की के बीच की प्रेम कहानी थी। वो दुर्भाग्य से वो कहानी अब मेरे पास नहीं है। पहली लिखी हुई कहानी मेरे पास अब सुरक्षित नहीं है। कि वो लड़का जो था वो लाल शर्ट पहनता था हमेशा, और वो हिंदू होता है और लड़की मुस्लिम होती है, उन दोनों के बीच में प्रेम होता है, और फिर दंगा हो जाता है शहर में। तो वो उसको लड़की को ऊपर से दिखता है कि वो लड़का वहां पड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे वहां से समझ नहीं आता है कि वो लाल शर्ट जो हमेशा पहनता था वही लाल शर्ट पहने या खून के कारण खून से रंग गया। क्या बात। तो बस यही, इसी जगह वो कहानी आकर खत्म होती है। लेकिन अब वो कहानी मेरे पास नहीं है, तो पहली कहानी मेरी वही लाल शर्ट थी। जी जी। किसी भी पत्रिका में, अखबार में या कहीं पर भी सबसे पहली प्रकाशित कहानी? हाँ, बस वो कहानी रंग के छींटे करके एक कहानी थी। असल में एक नए लेखक के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं नए लेखकों से भी जरूर कहना चाहूंगा कि आपको किसी कोई विशेष पर्व आ रहा है या कोई त्योहार आ रहा है या कोई ऐसी चीज है जिसके आसपास, जैसे मैंने शुरुआत में कहानियां दीपावली पर, होली पर, राखी पर, इस पर लिखी, तो वो क्या होता था कि समाचार पत्रों में आसानी से जगह मिल जाती। तो मेरी पहली कहानी रंग के छींटे जो कहीं भी प्रकाशित हुई पहली कहानी, जिसे दैनिक भास्कर हमारे यहाँ का सबसे बड़ा समाचार पत्र है, उसके अंदर जो महिलाओं की पत्रिका मधुरिमा आती है, वो पहली बार उसमें छपी थी, और मैं उसको, उस समाचार पत्र को लेकर हवा में उड़ता फिरा था पूरे दिन। सबसे पहली बार आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि एक लेखक के तौर पर मुझे बड़ी पहचान मिली? देखिए, असल में क्या है कि यहाँ पर, हमारे यहाँ पर हिंदी साहित्य में जब मैंने लिखना भी शुरू किया, तो हमारे यहाँ पर एक बात कही जाती है कि आप जिस रोज हंस पत्रिका में आपकी कहानी छप जाएगी, उस रोज आपको कहानीकार मान लिया जाएगा। तो मेरे लिए भी वो चुनौती थी, और हंस में पढ़ता था, राजेंद्र यादव जी उस समय संपादक थे, और मैं कई कहानियां वहां भेज चुका। जब मेरी पहली कहानी छपी थी जो दैनिक भास्कर में पत्रिका समाचार पत्र में छपी थी, उसके बाद में लगातार हंस में कहानियां भेजता रहा, लेकिन वहां पर प्रकाशित नहीं हो पाई। फिर वर्ष 2004 में मेरी पहली कहानी और कहानी मरती है वो हंस में प्रकाशित हुई, और वहीं से मुझे लगता है कि मेरी यात्रा शुरू होती है। वो कहानी बहुत, अभी उस पर एक प्ले भी होने वाला है, वो बट अलग तरह की कहानी थी। उसमें एक कहानीकार एक कहानी लिख रहा है, और जब वो टेबल पर बैठकर पेन कागज लेकर कहानी लिख रहा है, तो एक एक करके उसमें से पात्र बाहर निकलकर आ जाते हैं और उसके साथ झगड़ते हैं कि आप मेरे चरित्र को इस तरह का नहीं बनाएंगे, आप मेरे चरित्र को ऐसा नहीं बनाएंगे, और पूरी कहानी में वो एक एक पात्र के साथ बहस करता रहता है, और आखिरी में वो कहानी को फाड़ कर जला देता है। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। एक लेखक के तौर पे सबसे पहली बार सम्मान कब मिला आपको? जो मेरा जो पहला सम्मान था वो भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार ही था, और 2009 में, और वो मेरा, मेरे लिए सबसे, वो एक्चुअल में वो मेरे लेखकीय करियर का एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से लेखकीय यात्रा ठीक ठाक रूप से शुरू हुई। भारतीय ज्ञानपीठ एक बहुत बड़ा नाम है, और भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार या युवा पुरस्कार मिल जाना, वो उस समय एक स्वीकृति थी साहित्य समाज की ओर से, और उस समय
डॉक्टर नामवर सिंह जो अब नहीं है, उन्होंने खुद फोन करके मुझे बधाई दी थी इस सब, क्योंकि वो चयन समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने और रविंद्र कालिया जी जो भी अब वो भी नहीं है, उन दोनों ने मुझे फोन करके बधाई दी थी। तो मुझे लगता है कि वो मेरा पहला सम्मान था जहां से मेरी यात्रा शुरू। जी जी, सबसे पहले पहला भुगतान जो आपको मिला बतौर लेखक वो कितने का था, वो भी बताइए। पहला भुगतान तो निश्चित रूप से वो जो दैनिक भास्कर वगैरह में जो कहानियां छपती थी, तो पहले 4-5 साल तो समाचार पत्रों में ही खूब कहानियां छपी हैं, तो उसमें 100 रुपए का, कभी 150 रुपए का, कभी 250 रुपए का ऐसा चेक आता था, और वही पहला भुगतान था। बाकी फिर जब भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन मिला और ये वो शहर तो नहीं किताब मेरी वहां से प्रकाशित होकर आई, तो उसकी रॉयल्टी का जो भुगतान आया। तो एक लंबी यात्रा आप तय कर रहे हैं और सभी, लेकिन पहला हमेशा स्पेशल होता है, तो 100 रुपए हमेशा स्पेशल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कवि सम्मेलनों में हम लोगों ने आपको संचालन करते हुए सुना है, बहुत उम्दा संचालन करते हैं आप। पहली बार किस कवि सम्मेलन में मन संचालन करने का अवसर मिला? पहली बार मुझे अपने ही शहर में एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में शहर की संस्था ने मुझे मौका दिया था, और उस कार्यक्रम में हरिओम पवार जी मुख्य कवि के रूप में आमंत्रित थे। तो सबसे पहले तो मेरे लिए घबराहट यही थी कि जिस व्यक्ति की ऑडियो कैसेट सुन सुनकर बड़ा हुआ हूँ, कि गाड़ी में हमेशा हरिओम पवार के कैसेट बजते रहते थे, और सीहोर के कवि सम्मेलनों में पीछे की तरफ कहीं खड़े होकर उनको रात भर जाग कर सुनता रहा हूँ, उस कवि को मुझे मंच पर बैठकर संचालन करना है, तो मैं बहुत नर्वस था उससे। लेकिन चूंकि बड़े कवियों का ये होता है कि वो आपका हौसला बढ़ाते हैं, तो हरिओम पवार जी ने ही मुझे उस रोज खूब हौसला बढ़ाकर और अच्छे से संचालन करवाया था। तो वो मेरा पहला अवसर था कि जब मैंने संचालन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहली बार में हम लोगों ने थोड़ा आपको परेशान किया, लेकिन आपने बहुत उम्दा तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए। बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं में हमारे जो व्यूअर्स हैं, जिनमें पता चला कि पंकज सुबीर जी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी एक खूबसूरत सी यात्रा साझा करेंगे, उन्होंने बहुत सारे सवाल आपके लिए भेजे हैं, और उनमें से हमने 3 सवाल चयनित किए हैं संदेशे आते हैं में, और मैं क्रमवार तरीके से उन सवालों को आपके समक्ष रख देता हूँ, जैसा उन्होंने भेजा है ठीक वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारे जो व्यूअर जो जिन्होंने भेजा है सवाल, वो आपके लिए ये है कि ऐसा लगता है कि पंकज जी ने उम्र को अपने वश में कर लिया है, इस खूबसूरती का राज क्या है? देखिए, एक हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में एक वो चलता है कि कम खाइए और कम सोइए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कम खाइए और कम सोइए। तो मैंने उसका हमेशा पालन किया है, और खाना मैं पेट भरकर कभी नहीं खाता हूँ कि बिल्कुल पेट भरकर खाना खाया हो, बस जितना जीने के लिए आवश्यक है उतना खाता हूँ, और नींद भी उतनी ही लेता हूँ जितनी जीने के लिए आवश्यक है। मैं इन दोनों पर बहुत नियंत्रण रखता हूँ, तो शायद इसलिए भी आज भी, हालांकि सर के बालों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को मेंटेन रख पाया हूँ। जी जी। हमारा दूसरा जो एक सवाल है हमारे व्यूअर्स का, वो ये है कि कवि सम्मेलनों में हमने पंकज सुबीर जी को सुना है, उनकी जो मीठी वाणी है, शब्दों पे जो पकड़ है, वो अद्भुत है, लेकिन बीते कुछ दिनों से हम उन्हें मंचों पे नहीं देख रहे हैं कवि सम्मेलनों में मंच संचालक के रूप में, तो ये कमी और रिक्तता बहुत खल रही है, अगली बार और कब बहुत जल्दी हम कब देख पाएंगे उन्हें मंच संचालक के तौर पे कवि सम्मेलनों? देखिए विजित, आप भी जानते हैं कि पिछले 4-5 सालों में, या इसको मैं बोलूं कि पिछले 3-4 सालों में ही कवि सम्मेलन के मंचों का स्तर बहुत नीचे उतर आया है। वहां पर द्विअर्थी और अश्लील चुटकुले पढ़े जाते हैं, वहां पर अगर आप संचालन कर रहे हैं तो आपको कवित्री के साथ में अश्लील नोकझोंक करनी पड़ेगी, द्विअर्थी संवाद करने पड़ेंगे, और कुहड़ चुटकुले सुनाने पड़ेंगे, और इस तरह की इतनी गंदगी कवि सम्मेलन के मंच पर आ गई है, जिस मंच पर कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह सुमन जैसे लोग बैठते रहे हैं, आज उस मंच पर मेरे जैसे व्यक्ति को बैठने की भी इच्छा नहीं होती।
क्योंकि अगर आप संचालन भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप केवल कवि के रूप में भी उपस्थित हैं तो भी आप वो सब चीजें नहीं सुन सकते। तो इसीलिए मैंने लगभग बंद सा कर दिया है, लेकिन अभी भी कोशिश करता हूँ कि अगर कोई अच्छा किसी संस्था का और गरिमामय प्रोग्राम होता है तो वहां साल में एक आध बार इसलिए जरूर जाता हूँ कि वो अगर हम इस डर से छोड़कर चले गए मंच को तो मंच और गंदा हो जाएगा। तो कोशिश करता हूँ कि जिन जगहों पर अभी भी चीजें बचाई जा रही हैं वहां जाता हूँ और वहां जाकर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मंच के चेहरे को बदलने की कोशिश करूँ। लेकिन वही बात है कि पूरे कुएं में जब भांग घुली हो तब आप कितना कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जल्दी ही कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दूंगा। लेकिन देखिए दर्शक किस तरीके से आपको मिस कर रहे हैं, आपके बहुत चाहने वाले लोग हैं, विशेष रूप से आपकी मीठी वाणी और जिस खूबसूरती के साथ आप शब्दों को पहुंचाते हैं अपने दर्शकों तक वो कमाल का होता है। हमारे अगले व्यूअर ने एक प्रश्न पूछा है कि लंदन में हिंदी कविता और कहानियों का पाठ करना और लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पुरस्कृत होना, सम्मानित होना हिंदी भाषा के लिए, अपनी लेखनी के लिए, वो कैसा अनुभव रहा? वो तो जीवन का सबसे खास अनुभव है। मेरी पहली विदेश यात्रा भी है वो, और आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि 2013 में मैं लंदन गया था, और 2013 में जब मैं लंदन गया था तो उसके पहले मुझे थोड़ी बहुत पेपर फॉर्मेलिटीज के लिए बॉम्बे जाना पड़ा था। तो वो जो बॉम्बे की यात्रा मैंने की थी वो मेरी जीवन की पहली हवाई यात्रा थी। क्या बात। और उसके बाद सीधे दूसरी यात्रा लंदन की होती है, और लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में जब मैं खड़ा था तो कुछ बहुत देर तक तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वही खड़ा हूँ। जब मैं जिस सभा कक्ष में मेरा सम्मान हो रहा था उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थी और खिड़कियों से ठीक नीचे टेम्स नदी बह रही थी। अरे वाह। तो मैं बहुत देर तक तो वहां खड़ा होकर अपने आप को विश्वास दिलाता रहा कि हाँ मैं यही खड़ा हूँ और मैं लंदन में ही हूँ। वो बहुत जब जो लोग कहते हैं, मैं उन लोगों को जरूर बताना चाहूंगा जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी भाषा खत्म हो रही है, लेखक होकर क्या मिलेगा, कवि होकर क्या मिलेगा, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जितनी विदेश यात्राएं, लंदन गया, फिर कनाडा गया, फिर अमेरिका गया, वो सारी यात्राएं मैंने हिंदी के लेखक के रूप में की, और वो सारी यात्राएं मुझे हिंदी लेखन ने करवाई है। तो मुझे लगता है कि ये जो बार बार कहा जाता है कि हिंदी लेखन में तो कुछ नहीं है, अंग्रेजी में लिख रहे, हिंदी में क्यों लिख रहा है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस भाषा में लिख रहे हैं, किस उसमें लिख रहे हैं, लेकिन क्या लिख रहे हैं ये बहुत जरूरी है। एक किताब महुआ गटवारी नाम की मेरी किताब थी जो इतनी पसंद की गई कि उसने मुझे हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंचा दिया। तो वो एक अलग तरह का अनुभव था जिसको शायद जीवन भर याद रखा जाएगा। और ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि वहां पे आप सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी लेखनी का ही नहीं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा आपके जीवन में। हमारे एक व्यूअर ने और ये पूछा है कि हम पंकज जी की सारे उपन्यास, सारी कहानियां, कविता संग्रह सब पढ़ते हैं, पंकज जी का अगला संग्रह या अगला उपन्यास कब आ रहा है और कौन सा है? असल में मेरा उपन्यास तो भी पिछले साल आया है, जिन्हें जुर्मेश था। जी जी। तो अब दूसरा, मैं हमेशा उपन्यासों के बीच में 3 से 4 साल का गैप रखता हूँ क्योंकि इतना लेखक को रखना भी चाहिए। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कहानी संग्रह मेरे दो बिल्कुल पाइपलाइन में है जिस पर काम चल रहा है, और एक कहानी संग्रह का नाम है हमेशा देर कर देता हूँ मैं। अरे वाह। और दूसरा जो कहानी संग्रह है उसका नाम है प्रेम, जिसके अंदर मेरी प्रेम की कहानियां है सारी, जो मैंने समाचार पत्रों के लिए जो प्रेम कहानियां लिखी थी वो सब अब संकलित करके ला रहा हूँ। तो दो ये किताबें, प्रेम तो बहुत जल्दी आ जाएगा सामने, और हमेशा देर करता हूँ मैं शायद जनवरी तक या दिसंबर तक सामने आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों तक बात पहुंचेगी और सभी पाठक इंतजार करेंगे आपकी अगली कहानी संग्रह का। तो ये था हमारा सेगमेंट संदेश से आते हैं, बढ़ते हैं हम। पहले धन्यवाद आपका कि आपने संदेश से आते का बहुत उम्दा तरीके से जवाब दिया, और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो उन्हें सारे सबके सवाल तो हम ले नहीं पाए, सवालों की बड़ी भरमार थी, किन्हीं चुने 4 सवाल हम आपके बीच में लेकर के आए और आपने बहुत उम्दा तरीके से जवाब दिया। बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है चलते चलते।
तो पंकज जी, ये हमारा आखिरी सेगमेंट है चलते चलते। हम आपको एक कवि के रूप में, एक लेखक के तौर पे, एक उपन्यास के तौर पे, हर तौर पे जानते हैं, और यहाँ तक कि कवि सम्मेलनों में मन संचालक के तौर पे भी हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। आज ये ऐसा समय है कि एक बड़ी संख्या में यूथ इस कार्यक्रम को देख रहा है, और आपके एक बहुत प्यारा सा संग्रह आया था अभी तुम इश्क में, बहुत बहुत लोकप्रिय हुआ वो, उसकी सारी रचनाएं बहुत लोकप्रिय हुई। मैं चाहूंगा कि अगर आप अपनी वो जो प्रतिनिधि रचना उसकी है अभी तुम इश्क में, अगर वो हमारे दर्शकों को सुना सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो गजल, उस संग्रह को बहुत लोगों का प्रेम मिला, बहुत स्नेह मिला है, तो मैं उसकी जो प्रतिनिधि जो गजल है वही मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक शायर के रूप में मैं सोचता हूँ कि एक वाक्य आपके दिमाग में कोई आता है और उसके बाद वो वाक्य आपको इतना बेचैन कर देता है कि फिर आप उस पर गजल कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये एक वाक्य मेरे दिमाग में बना, अभी तुम इश्क में हो, और वहीं से फिर मैंने इसको रदीफ बनाकर और पूरी गजल कही, और उसी पर इस संग्रह का नाम भी रखा गया अभी तुम इश्क में हो। तो मैं वही गजल सुनाता हूँ। अभी समझाएं क्या तुमको, अभी समझाएं क्या तुमको, अभी तुम इश्क में हो। अभी समझाएं क्या तुमको, अभी तुम इश्क में हो, अभी तो बस दुआएं लो, अभी तुम इश्क में हो। अभी समझाएं क्या तुमको, अभी तुम इश्क में हो, अभी तो बस दुआएं लो, अभी तुम इश्क में हो। और इसका शेर कुछ यूं कहा है, भले अपने ही घर जाना है पर भूलोगे रास्ता, भले अपने ही घर जाना है पर भूलोगे रास्ता, किसी को साथ में रखो अभी तुम इश्क में। आहा, क्या बात है, क्या बात है। भले अपने ही घर जाना है पर भूलोगे रास्ता, किसी को साथ में रखो अभी तुम इश्क में हो। और एक शेर यूं कहा है, नहीं मानेगा कोई भी बुरा बिल्कुल जरा भी, नहीं मानेगा कोई भी बुरा बिल्कुल जरा भी, अभी तुम चाहे जो कह दो अभी तुम इश्क में हो। आहा, क्या बात है, क्या बात है। नहीं मानेगा कोई भी बुरा बिल्कुल जरा भी, अभी तुम चाहे जो कह दो अभी तुम इश्क में हो। और शेर कुछ यूं कहा है, कोई समझा बुझा के राह पर फिर लेना आए, कोई समझा बुझा के राह पर फिर लेना आए, किसी के पास मत बैठो अभी तुम इश्क में। अरे वाह, क्या बात। कोई समझा बुझा के राह पर फिर लेना आए, किसी के पास मत बैठो अभी तुम इश्क में हो। और एक शेर यूं कहा है कि तुम्हारे हाथ में जलती रहे सिगरेट मुसलसल, तुम्हारे हाथ में जलती रहे सिगरेट मुसलसल, कलेजे को जरा फूंको अभी तुम इश्क में हो। आहा, क्या बात है, क्या बात। तुम्हारे हाथ में जलती रहे सिगरेट मुसलसल, कलेजे को जरा फूंको अभी तुम इश्क में हो। और आखिरी शेर इसका यूं कहा है कि वो परसों भी नहीं आया, नहीं आया वो कल भी, वो परसों भी नहीं आया, नहीं आया वो कल भी, गिनो मत रास्ता देखो अभी तुम इश्क में हो। इश्क में हो, क्या बात है, क्या बात है। अभी समझाए क्या तुमको, अभी तुम इश्क में हो, अभी तो बस दुआएं लो अभी तुम इश्क में हो। इश्क में हो, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत, मतलब मुझे लगता है कि युवाओं ने तो बहुत पसंद की है ये रचना आपकी, बहुत ही खूबसूरत गजल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस आमंत्रण पे, ये बेहद खूबसूरत रचना हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए। एक और बड़ी प्यारी सी कविता, हालांकि आपने बहुत सारी प्यारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन एक कविता ऐसी है जिसमें आपने उन महिलाओं को, जो विवाहित महिलाएं हैं वापस जब अपने ससुराल से मायके जाती हैं सावन के समय में, तो वो झूले, वो पेड़, वो नदियां, नदी, वो खेत, वो सारी चीजों को इतने खूबसूरत तरीके से आपने रेखांकित किया है कि ऐसा लगता है कि आप
हमें उस गांव में पहुंचा दिए जहां वो महिला जाना चाहती है, विवाहित महिला। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए उस कविता पाठ करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी गजल पैटर्न पर लिखी गई एक कविता है जिसको मैंने गजल के पैटर्न पर लिखा था। और कई बार ऐसा होता है कि राखी का त्योहार आ जाता है और बहन भाई के पास तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके अंदर क्या फीलिंग होती है, क्या उसको मायके की याद किस तरह से राखी पर आएगी, वो मैं ये गीत सुनाता हूँ। ओ सावन के बादल जाकर देना इतनी सिर्फ निशानी, ओ सावन के बादल जाकर देना इतनी सिर्फ निशानी, भैया के हाथों को छूकर देना इन आंखों का पानी। ओ सावन के बादल जाकर देना इतनी सिर्फ निशानी, भैया के हाथों को छूकर देना इन आंखों का पानी। और मेरा नाम सुनेंगी तो फिर हुलस हुलस कर वो रोएंगी, मेरा नाम सुनेंगी तो फिर हुलस हुलस कर वो रोएंगी, अम्मा की आंखों से ममता बह निकलेगी बनकर पानी। वो सावन के बादल जाकर देना इतनी सिर्फ निशानी, और पिंजरे का हीरामन अब भी गुड्डी गुड्डी रटता होगा, आहा पिंजरे का हीरामन अब भी गुड्डी गुड्डी रटता होगा, कह देना हीरामन से ये गुड्डी तो है बात पुरानी, कह देना हीरामन से ये गुड्डी तो है बात पुरानी, ओ सावन के बादल जाकर देना इतनी सिर्फ निशानी, घर के एक कोने में मेरी गुड़िया भी रखी हो शायद, घर के एक कोने में मेरी गुड़िया भी रखी हो शायद, कहना याद बहुत आती है तेरी लाडो बिटिया रानी, आहा कहना याद बहुत आती है तेरी लाडो बिटिया रानी, और अमरूदों के बाग में जाकर माली काका से कह देना, अमरूदों के बाग में जाकर माली काका से कह देना, चोरी के अमरूदों की यादें हैं अब तो सिर्फ कहानी, चोरी के अमरूदों की यादें हैं अब तो सिर्फ कहानी, ओ सावन के बादल जाकर देना इतनी सिर्फ निशानी, और नदिया के कानों में थोड़ा शर्मा कर ये बतला देना, नदिया के कानों में थोड़ा शर्मा कर ये बतला देना, हे मैया तू माघ पूस तक तो बन जाए गीरे नानी, आहा क्या बात, हे मैया तू माघ पूस तक तो बन जाए गीरे नानी, ओ सावन के बादल जाकर देना इतनी सिर्फ निशानी। और इसके जो अंतिम बंद है कि बाबूजी से पीर मेरी कोई मत कह देना तू सुन, बाबूजी से पीर मेरी कोई मत कह देना तू सुन, कह देना कि गुड्डी बिटिया तो है अब ससुराल की रानी, वो सावन के बादल जाकर देना इतनी सिर्फ निशानी। और आखिर में जो वो मांगती है कि आंगन के तुलसी चौरे पर कर देना तू संजा बाती, आंगन के तुलसी चौरे पर कर देना तू संजा बाती, कहना बस आशीष बनाए रखना घर पर तुलसी रानी, ओ सावन के बादल जाकर देना इतनी सिर्फ निशानी, भैया के हाथों को छूकर देना इन आंखों का पानी। बहुत बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे लिए इस कविता पाठ करने के लिए, और इतनी खूबसूरत ये कविता है, मतलब एक दृश्य आप खींचते हैं इसको पढ़ते वक्त, बहुत ही उम्दा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट भी पूरा होता है, चलते चलते एक आखिरी संदेश आपसे हम जानना चाहेंगे। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह में हमने कोशिश की है कुछ नया करने की, इसके बारे में आपका संदेश। देखिए इन दिनों जब ये कोरोना का जब से संकट शुरू हुआ है तो इस पर ऑनलाइन लाइव शोज का बड़ा विस्फोट सा हो गया है जी जी, और ऐसे में बहुत बहुत कठिन हो गया है कि उस विस्फोट के बीच में आप अपनी पहचान बनाए रखें। ये शो का जो मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट देखा है, इस तरह के फॉर्मेट का शो मुझे कहीं नहीं देखने को मिला।
और जो अनौपचारिक चर्चाएं करना है और जो जिस तरह से कैजुअल तरीके से चर्चा करना, और क्योंकि इस देश की बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी जनता ऐसी है जिसको बहुत कठिन और वो साहित्यिक और कठिन साहित्यिक बातों से बहुत लेना देना नहीं है, नहीं है। उसको केवल एक सफल या किसी क्षेत्र में थोड़ा सफल हो चुके व्यक्ति की कहानी जाननी होती है। तो आपने इसमें जो ये जो प्रयोग किए हैं ये बिल्कुल अनूठे और बिल्कुल जो मुसाफिर किस्सों वाले में जो आपने एकदम जो जो नवाचार कहा जाता है कि आप किसी चीज में नया क्या करते हैं। एक बड़ी मशहूर अंग्रेजी की किताब है किसने मेरा चीज चुराया, तो उसमें अंत में यही आता है कि आप अपने कार्य में नया क्या कर रहे हैं। आप पुराने डर्रे पर चल रहे थे, आप नया क्या कर रहे थे? अगर आप नया कुछ नहीं कर रहे तो आपकी चीज कोई भी चुरा लेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अनूठा प्रयोग है जिस तरह से जो आपने सेगमेंट्स बनाए हैं उनके बहाने परत दर परत आप किसी व्यक्ति को पूरा खोल कर अपने पाठकों के सामने रख देते हैं। बहुत मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जब आप ऑनलाइन कोई चीज ला रहे हैं तो वहां पर उबाऊ चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपके दर्शक को ऊब ना पैदा हो। तो इस तरह की जब रोचक बातें होंगी तो वो अगर मैं अकेला बोलता रहूं और पूरे आधे घंटे में बोलता रहूं तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई सुनेगा। तो बिल्कुल नए तरह का प्रयोग है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत सफल हो और बड़े बड़े लोग आपके यहाँ आए और उनकी आप इंटरव्यूज करें। और जिस तरह से आपका आपकी एक संस्था नवोन्मेष भी रही है, शायद अभी भी है, आपने लगातार नवाचार किए हैं। आपने उस दौर में डॉक्टर कुमार विश्वार और डॉक्टर राहत इंदौरी को बुलाकर उनसे कविताएं रात रात तक बैठकर सुनी है, तो आपके अंदर क्षमता है, तो इस क्षमता और प्रतिभा का उपयोग इसमें भी होगा ऐसा मुझे विश्वास है और मेरी बहुत शुभकामनाएं इसका। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो के बारे में इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी इस खूबसूरत यात्रा को साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार नमस्कार।